दोस्तों ये कितना अच्छा है कि हमारा एडमिशन डायना के ही स्कूल में हो गया है। क्या डायना ये बात जानती है? मैं तो श्योर हूँ, अगर वो जान जाएगी तो स्कूल कभी नहीं आएगी। और हाँ, स्कूल में तो सबसे ज्यादा कूल मैं ही लगूंगी। ये क्या, हमारे बारे में कुछ नहीं, हम भी कूल है। हाँ ठीक है, सभी कूल है, लेकिन सबके बॉस मैं ही हूँ। क्या बात है, ये हर जगह हमारे पीछे चले आते हैं, ये कर क्या रहे हैं? मैं भी इस स्कूल में पढ़ने आए हैं। जब डायना यहाँ आएगी और देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। चिंता मत करो, इस गैंग की तुलना हमसे नहीं की जा सकती। हमारे स्कूल में आकर वो पछताएंगे। ऐसा ही हो, इनका यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं। डायना, मैं पूरे साल तुम्हारा बैग लेकर चलूंगा, वादा रहा। दिमाग ये ठीक है कि साल के अंत तक तुम मेरा बैग उठाओगे, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझसे बरी नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। तो और क्या करूँ, तुम्हें अपना नाश्ता भी खिला दिया करूँगा, और मेरे नाश्ते में एप्पल और पैनकेक्स होते हैं। पैनकेक के ऊपर एप्पल और शुगर पाउडर भी? हाँ, एप्पल और शुगर पाउडर भी। चलो ठीक है दिमाग, क्लास खत्म होने तक मैं सोचती हूँ तुम्हें कि माफ करना है कि नहीं। अब दे दो मेरा बैग, क्लास शुरू होने वाला है। तो आखिरकार डायना आ गई है, अब कुछ मजेदार होने वाला है। डायना, हम यहाँ हैं। मरुषा चुप रहो, उसे खुद ही हमें देखने दो। सब ऐसे कर लो, हम गैंग है ना। डायना डीमा, विश्वास नहीं करोगे। क्या हुआ, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डायना डायना शांत हो जाओ, उन पर ध्यान मत दो। अब हम यही पढ़ेंगे। क्या तुम सोच सकते हो डायना हमारे स्कूल में आए हैं और अब वो हमारे साथ ही इसी स्कूल में पढ़ेंगे? दोस्तों, उनके यहाँ पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इस स्कूल में सबसे ज्यादा कूल हम रहेंगे। हम रहेंगे, हम रहेंगे। ठीक है, हम भी देखेंगे। दोस्तों चुप क्यों हो, तुम भी बोलो हम रहेंगे, हम रहेंगे, बाद में कर लेंगे। डायना, क्या तुम मेरा नाश्ता खाओगी, पैनकेक के साथ एप्पल? क्या हम फिर से खुश रहेंगे और दोस्त बन पाएंगे? डीमा, मैं कह चुकी हूँ ना, क्लास खत्म होने तक मैं इस पे सोचूंगी। डायना, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? सुनो लड़कियों, अब हमें अपने फिगर पे काम करना होगा। मैं इसे अपनी कमर को पतली बनाऊंगी और मैं अपने हाथों मैं को भी। मैं तो वैसे ही सबसे कूल लगता हूँ। बातें कम करो और वर्कआउट पे ध्यान दो। दोस्तों, हम अपने टीचर से मिलने जा रहे हैं और आशा करते हैं वो अच्छे हो। हाँ दोस्तों, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। अच्छे हो, यही उम्मीद करते हैं। मैं भी। दोस्तों, मेरे पास एक अच्छी खबर है, मुझे ऐसा लगता है कि आज टीचर नहीं आएंगे। सच में? ये डायना, मुझे माफ कर दो, कर दो ना। दिमाग, तुम 5 मिनट शांति से नहीं रह सकते? मैं सुन कर थक चुकी हूँ। अगर मैं सही हूँ तो ये मेरी जगह है। डायना, सोचो, डेस्क भी नजदीक आ गए हैं ताकि हम साथ बैठ सकें। डीमा, ऐसा डेस्क ने नहीं किया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 ही सीटें खाली हैं। अपनी सीट पे बैठ जाओ। डीमा, चलो यहाँ से लड़कों के साथ बैठो। नहीं कुस्त्या, मैं डायना से दूर नहीं बैठ सकता। अरे घंटी बज गई, चलो हमें क्लास में जाना होगा। ओए क्यों, अपनी ट्रेनिंग अभी खत्म ही नहीं हुई। नहीं मरुषा, हमें दिखाना होगा कि इस स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट हम ही हैं। अभी चलो। क्या है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे टास्क दिया गया है और वो लोग बाहर मस्ती कर रहे हैं। याना, तुमने कुछ लिखा है, मुझे कॉपी करने दो। नहीं ले, मुझे भी नहीं पता मैं क्या लिखूं, सारी छुट्टियों तो बस हम लड़ते ही रह गए। हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि हम सारी छुट्टियाँ बस डायना के साथ लड़ ही रहे थे। गर्मी की छुट्टियाँ सारी मेरे भाई डीमा को पीटते हुए निकल गई और मैं जूली के पास गई, उसे अपने मुक्के की शक्ति दिखाई। मैं सारी गर्मी भर अपनी कूल बाइक चला रहा था। सुनो दोस्तों, मैं एक हैंगआउट प्लान कर रही हूँ, तुम जानना चाहते हो मैं किस किस को बुलाऊंगी? बिल्कुल लड़कियों, तुम लोग के बिना मैं क्या करूँगी? मैं इन लोगों को बुलाऊंगी, जूली, गीगी, नास्त्या, अर्चुआमा और कोस्त्या। डायना, और मैं? दीमा, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर रही हूँ। ये क्या दीमा, क्या तुम रोने जा रहे हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर इनवाइट करूँगी। दोस्तों, हम सब मजे करेंगे। सबसे ज्यादा कूल है। छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं।
तो छोटे बच्चों सुनो, अभी हमारा ब्रेक है और हम मैदान में जा रहे हैं और तुम लोग हमारे एरिया से नहीं गुजर सकते। 9th स्टैंडर्ड बचा रहे ये छोटे बच्चे। ओहो, क्या मतलब है तुम्हारा? हम तुम्हारे एरिया में जाना भी नहीं चाहते। और छोटे बच्चे हमें क्यों कह रही हो? तुम हमसे सिर्फ एक क्लास ऊपर हो। अर्जुन इतनी डींगे मत हाको, नहीं तो डैड को सब बता दूंगा। तंबाकू लेते हो ना? क्या बताओ दीमा, मैं भी देखूंगा। आओ चले। मैंने कर दिखाया। मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। अब बॉल मैं डालूंगी, मेरी बारी है। ओ दीमा कितना फिट है, मैं उसे और नहीं देख सकती। ओ याना अपने भाई से कहो ना, मुझे उसे दोस्ती करनी है। मरुषा अभी ये ठीक नहीं होगा, तुम जानती हो कि हमारे क्लासरूम कितने नजदीक है। तुम बाद में किसी तरह उसके पास चली जाना। और अब तो मुझे कोसते बहुत ही अच्छा लगने लगा है। लड़की तुम लोग अभी प्यार के बारे में सोच रही हो? कैसा प्यार? अभी हमें स्कूल में सबसे ज्यादा कूल लगने के बारे में सोचना है। बिल्कुल, हमें इस स्कूल में सबसे आगे रहना होगा हर हाल में। हाँ दीमा तभी मेरा होगा। चलो शुरू करो। जूली इसके बाद मैं जाऊंगी। हाँ और तुम्हारे बाद मैं जाऊंगी। गीगी चलो जल्दी करो। गीगी जल्दी करो। ओ जूली अब तुम करो। लड़कियों सुनो सुनो। क्या हुआ? मैं जब अभी उस तरफ गई थी तो मैंने बदमाश गैंग की बातों को सुना है। मरुषा दीमा को पसंद करती है। क्या? जूली हम ये जानते थे। इतना ही नहीं, और बात है, लिया कोस्तिया को चाहती है। कोस्तिया मीरा है। ओहो जूली। हाँ, फुटबॉल के लिए चलना है, हम वही बात करेंगे। पहले जाते हैं डैना के पास। जल्दी चलो। ठीक से करो लड़को, बहुत अच्छे कोस्तिया, बहुत अच्छे। वाह बहुत अच्छा, क्या बात है। ओ लंबे टांगों वाले लड़के अर्जुन इधर आओ। वो दूसरे गैंग के हैं। और दीमा बॉल कितना सुंदर फेंक रहा है। मैं तो बस बॉल फेंकने आया था। अर्जुन बॉल इधर फेंको। डायना इधर आओ, हमारी बात सुनो। क्या हुआ? डायना जूली जब जंप करते हुए उधर गई थी तो बदमाश गैंग की लड़कियां बातें कर रही थी। जूली ने उनकी बातों को सुन लिया है। तो क्या हुआ? लियाल्या कुश्या को चाहती है और कुश्या जूली को चाहता है। क्लास के बाद जूली लियाल्या के साथ स्टेडियम में इसी बारे में बात करना चाहती है। डायना तुम हमारे साथ हो? हाँ बिल्कुल, बहुत हो गया, बदमाश गैंग मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्या तुमने उन लोगों के बारे में सुना है? हाँ जूली मैंने सुना है, चिंता की कोई बात नहीं है, कोस्तिया तो तुम्हारा है। कोई बात नहीं जूली, सब ठीक है, हम इस गैंग को अच्छे से मजा चखाएंगे। जरा देखो इन्हें कैसे हमारे रास्ते में खड़े हैं। बेचारे छोटे बच्चे, और नाइन्थ क्लास के बच्चे लूजर हैं। देखो कौन बातें कर रहा है, टेंथ क्लास वाले लूजर्स हैं। क्या तुमने देखा नहीं ये कितने ढीठ हैं? लेकिन हम उन्हें दिखा देंगे। नाइन्थ क्लास सुनो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुमने टेंजी क्लास वालों को देखा है? वो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज हम सब मिलकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक साथ चलेंगे। बोलो चलोगे? हाँ। हमें उन्हें पहले एक मैसेज देना होगा। अर्जुन इसे उन्हें तुम दोगे और जूली तुम लिखो। हाँ डायना मैं लिख रही हूँ, और लियाल्या को तो मैं एक मच्छर की तरह मसल दूंगी। जूली लिखो, टेंजी तुम लोग मुश्किल में पड़ने वाले हो। हाँ मैं लिख रही हूँ। और ये भी लिखो कि हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, हम लोग क्लास 9A हैं। और जूली लिखो कि उनके लिए यही बढ़िया है कि वे स्कूल ही ना आए। और जूली लिखो कि मैं डायना से प्यार करता हूँ। डीमा इसमें ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लिख लिया, और मैं ये भी लिखूंगी कि लियाल्या अपना मुंह ज्यादा मत खोलो, कोस्ता मेरा है। क्या लिख रही हो? ठीक है जूली, क्या ये हो गया? हाँ हो गया। अर्जुन जाकर इसे उन्हें दे दो। डायना मैं ही क्यों, इसे भेज दो, ये हमेशा सोता ही रहता है। अर्जुन जाओ ना उन्हें दे दो। हाँ चलो, बस तुम्हें जाकर इसे उन्हें देना है। देखो इसे, ये बस सोता ही रहता है। अर्जुन जल्दी करो, इसे छोड़ दो, ये सारी रात सोया नहीं है। मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी, अब तुम चलो और जाकर उन्हें ये दे दो। हाय टेंजी क्लास, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या चाहता हूँ ये तुम्हें मैसेज पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। ये क्यों आया, क्या है ये? टेंजी क्लास तुम खतरे में हो। क्या, कौन खतरे में है? हम सब छोटे बच्चे नहीं, 9A हैं। संभल जाओ,
अच्छा होगा तुम स्कूल आना छोड़ दो। लिया अपना मुंह ज्यादा मत खोलो। क्या है, क्या तुम लोगों ने ये सुना? ये कितने डीट है। ओ, पहले ही दिन इतना हंगामा। मुझे तो ये स्कूल बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं, लेकिन कोस्टे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम लोग गैंग है। आर्चियो मोहा क्या हुआ? वे सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैं ये जानती थी। चलो दोस्तों अब उन्हें बताते हैं कि हम क्या हैं। हाँ।